मैं अजय कुमार, पार्टनर आरडी स्पोर्ट्स कंपनी जलंधर। आरडी स्पोर्ट्स कंपनी हर प्रकार का स्पोर्ट्स का समान तैयार करती है। ये कंपनी मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री रामधन जी ने 1962 तो स्टार्ट की सी। मेरे पिताजी का पिछोकड़ सियालकोट पाकिस्तान का सी। जदों 1947 भारत तो पाकिस्तान की वंड हुई सी, मेरे पिता जी उदों पाकिस्तान तो इंडिया विच आए सी। असी रविदास समाज दल तलोकात रखते हाँ और मेरे पिता जी बाबा साहब अंबेडकर जी दे बहुत पैरोकार सी। मेरे पिता जी चाहे घट पढ़े लिखे सी पर उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर की एक गल अपने जीवन दे विच पूरी ईमानदारी नाल अपनाई हुई सी। बाबा साहब अंबेडकर जी ने जिहड़ी आर्थिक आजादी दे लई जिहड़ा संदेश दलित समाज नूं दित्ता सी वह मेरे पिता जी दे दिमाग दे विच घर कर गया सी। मेरे पिता जी चाहते सन कि जिहड़े गरीब बेचारे दलित समाज के लोग एजुकेशन नहीं प्राप्त कर सके, जिहड़े किसी वजह कारण पैसे की कमी करके एजुकेशन नहीं लै सके, वह लेबर की बजाय व्यापार करन। ऐसे करके उन्होंने अपनी जिंदगी दे विच उन्होंने 62 तो लैके 36 साल 2000 तक उन्होंने पूरी ईमानदारी के नाल 52 लोगों को काम सिखाया और उन्होंने 46 बंदे दुकानदार बनाए काम सिखा के। क्यों? वो चाहते सन कि जिहड़ा दलित समाज का हर बंदा व्यापार करे, क्योंकि उन्होंने ये पूरा यकीन सी कि आर्थिक आजादी तो बिना किसी भी प्रकार की आजादी का आनंद नहीं प्राप्त किया जा सकता। इस करके मैं उन्होंने ख्वाहिश नूं अगे वधांदा होया और उन्होंने प्रणाम करता होया मैं आप सारियां नूं बेनती करता हाँ कि जिन्हें भी साढ़े दलित भाईचारे के लोग विदेशों में बैठे ने जिहड़े लेबर करते हैं उन्होंने खास करके बेनती करता हाँ कि विदेशों में स्पोर्ट्स के समान की बहुत मांग है। आओ वीरो असी लेबर की बजाय व्यापार करिए ता जो साड़ी आने वाली पीढ़ी नूं सुख होवे और ता जो साड़ी आने वाली पीढ़ी नूं साड़े ते मान होवे। असी आओ सारे जने रल के इस व्यापार नूं स्पोर्ट्स के व्यापार नूं रल मिल के करिए। मैं आरडी स्पोर्ट्स कंपनी की तरफों जलंधर च बैठा तुहानूं हर प्रकार का समान विदेश जिथे कहोगे जिस तरह का समान कहोगे स्पोर्ट्स का वो तुहानूं तैयार करके इत्थों जाएगा और हर प्रकार की तुहाडी असी मदद करन नूं तैयार हाँ। जो भी टर्म्स कंडीशन आपां सैट करांगे उत्ते आपां काम कर लवांगे और मैं ये चाहना हाँ कि जिहड़े विदेशों में नौजवान समाज नूं अगे वधदा देखना चाहते हैं वो खुल के सामने आन। मैं वादा करदा हाँ तुहाडे नाल कि जितना भी इहदा प्रॉफिट होएगा 50% प्रॉफिट दलित समाज के गरीब बच्चों के लिए एजुकेशन पर लगाया जाएगा ता जो देश दे विच एजुकेशन की क्रांति लियाई जा सके। जय भीम जय।